प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी, इनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत में हो रहे चुनावों पर, बल्कि बात होगी पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और साथ साथ योगी मॉडल यानी कि जो बुलडोजर बाबा का मॉडल है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो इसी पे आप देखेंगे इन दोनों का बड़ा ही मजेदार डिस्कशन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। मेरे साथ है जी सुमित जैन साहब, और जो पता नहीं क्यों मेरे का लड़के कपड़े पहन कर आते हैं, मुझे नहीं पता। ये पांचवी छठी बार हो रहा है कि मैं जो कपड़े डालता हूँ आप भी वही कपड़े जाल बूझ कर डाल के आ जाती है। और पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने एक मूवी में देखा था कि दो लोग एक ही जैसा सोचते, तो वो जो हीरो होता है आई थिंक अक्षय कुमार था या पता नहीं कौन था, वो कहते हैं कि दो कमी नहीं एक जैसा क्यों सोच लेते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, सॉरी सॉरी, मैं आपको मैं डायलॉग फिल्म का बता रही हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि वैसे हम दोनों कलर अच्छा अच्छा वो हमने पहना हुआ, इसलिए कि हम जिक्र कर रहे हैं योगी जी की, और योगी जी अक्सर यही कलर पहने होते हैं। तो उन्होंने जी कहा है कि 6 मंथ्स में जो है वो पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर या पीओके है हम उसको ले लेंगे। अभी एक साहब के साथ में शो कर रही थी, आपके किसी टीवी चैनल पर आए थे, तो वो डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा आप जानते हैं, तो उनका यही कहना था ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये 6 मंथ्स मतलब ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, योगी जी ने ऐसे चलते फिरते कह दिया, या आप समझते हैं कि वाकई में सीरियस है? आरजू जी, पहली बात ये है कि योगी जी ये वाला कपड़े जो है ये वाले कलर के कपड़े नहीं डालते, वो भगवा कलर होता है, ये येलो पीतली होता है, येलो येलो डटी फैलो वाला काम नहीं करते वो। हाँ, काम जो है बड़ा साफ सुथरा करते हैं, जो गंदगी है उसको कैसे साफ करना है वो योगी जी से बेटर कोई समझता नहीं है। और भारत पे योगी मॉडल जो है वो वैसे भी सुपर हिट है। अब योगी जी वैसे तो बोलते नहीं, अगर बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। योगी जी ने ये नहीं बोला कि मैं करूंगा, कि पीओके हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने शायद हिस्ट्री आपको याद दिलाने की कोशिश करी है पाकिस्तानियों को। वो कैसे, आपको याद होगा 2019 हम जब 303 सीटें लेकर सेंटर में मोदी जी आए थे, आते ही हमने एक स्यापा था 75 सालों का 370 को दफा कर दिया, 72 हूरों के पास परमानेंटली भेज दिया। अब उनको भी पता है कि इस बार जब वो आएंगे फिर दोबारा से कोनों को बड़ा कांड तो करना ही है। और मोदी जी ने बोल भी दिया पहले 100 साल पहले 100 दिनों में मैंने कोई ऐसे बड़े बड़े फैसले करने हैं जो कि बेसिक प्रॉब्लम है देश के अंदर, वो मैंने सॉल्व कर देनी है। अब ये आंकड़े सारी दुनिया लगा रही है, सारे भारतीय लगा रहे हैं कि हो सकता है इस बार पीओके को हम ले लें। अब वो क्यों बोल रहे हैं, इसलिए नहीं है कि 2019 में 370 पूरा किया था, उसमें आधा कश्मीर हमने पूरे भारत का पार्ट बना लिया, वैसे भी पार्ट तो हमारा ही था लेकिन उसे फॉर्मली हमने बना लिया, इस बार कश्मीर को पूरा करने का टाइम है। ऐसा लग रहा है कि इस बार कश्मीर पूरा करने का जो फैसला है मोदी जी ले चुके हैं। अब उसके रीजन है दो तीन। पहली बात, दो तीन ऐसे छोटे मोटे आदमी हैं हमारे पास जो जनरली बोलते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी बोल दिया जो योगी जी बोल रहे हैं। एक तो हैं राजनाथ सिंह, बहुत छोटे से हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर हैं। हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर एक्चुअल होता है, ऐसा नहीं होता है जैसे कई कंट्रीज में होता है या नहीं होता है पता नहीं लगता, लेकिन हमारे एक्चुअल जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला था रिसेंटली कि पीओके अब लेने का टाइम आ गया है, ये अपने आप ही वहां से आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। और वाकई ही जैसे ही उन्होंने बोला वहां से आवाजें उठनी शुरू होंगी। आपने देखा है कि पीओके के अंदर जो है आवाजें उठनी शुरू होगी, ये वर्दी है हमें मालूम है कौन नहीं है, ये सारी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी वाला जो नारा था वहां पर भारत के झंडे, ओ भाई पाकिस्तान में भारत के झंडे कहां पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने पहुंचाए हैं, होगा तो वैसे मेड इन चाइना ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो बन नहीं सकते, चाइना से बन के आता है। तो वो जो भारत के झंडे वहां पे लहराए गए, हमें आजादी चाहिए, हमने भारत के साथ मिलना है, वहां पे तरक्की देखिए, हमारे पास तो यहाँ पे आटे की लाइन में लगना पड़ता, बल्कि मैंने सुना था ऐसा, मुझे पता नहीं है कैसा है कि नहीं है। और बिजली भी जो है 2-2.5 रुपए की यूनिट की जो बिजली होती है उन्हें 70 रुपए की बेची जाती है। अब ऐसी धांधली कोई करेगा तो वहां से आवाजें आनी तो जायज थी, लेकिन
मुद्दे की बात यह है कि जिस दिन राजनाथ सिंह जी ने बोला उसके कुछ दिनों के बाद ही वहां पर आजादी के नारे लगने शुरू हो गए। मैं रिलेट नहीं कर रहा हूं, इसको रिलेट मत करना, मुझे पता है आपको गंदी आदत है, तभी येलो डाला आपने। तो तीसरी बात, एक छोटा आदमी और है हमारे पास, हाँ लेकिन मेरे साथ में दूसरा भी है, मैं मिक्स करके करता हूँ ना ताकि दोनों तरफ रहे। तो अभी एक तीसरा आदमी है छोटा सा, उसका नंबर नाम है जयशंकर, नाम तो आपने सुना होगा। अब जो जयशंकर जी हैं, उन्होंने आपने कभी भी उनको ऐसे स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना होगा जो उन्होंने दी है कि किसी ने सोचा नहीं था कि 370 हम खत्म कर देंगे, वो हो गया। अब जो मोदी जी हैं इसके ऊपर विश्वास है कि जो मैटर 75 सालों से पेंडिंग पड़ा है कश्मीर को पूरा करने का, ये भी हो जाएगा। पहली बार पाकिस्तान में पीओके को बचाने की बातें होनी शुरू हो गई हैं, ये जयशंकर जी बोल रहे हैं। अब ये तीन छोटे मोटे लोग हैं, योगी जी, राजनाथ सिंह, जयशंकर, इन्होंने बोल दिया है तो मोदी जी को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है, हम क्योंकि आज योगी जी पे ज्यादा फोकस करेंगे, वैसे तो हम हमेशा डॉक्टर जयशंकर मोदी जी की बात करते हैं, उनके बारे में भी अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले इमरान खान की सेक्रेटेरिएट एक इस्लामाबाद में उसके ऊपर बुलडोजर चल गया, ठीक है गवर्नमेंट ने चला दिया कि ये तो गलत बना हुआ है, तो लोगों ने कहा कि ये तो योगी जी वाली टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो योगी जी आजकल बड़े खबरों में पाकिस्तान के, और ये भी कहा जा रहा था टाइम पे कि अगर मोदी जी नहीं आए तो योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर योगी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बड़े सख्त किस्म के प्राइम मिनिस्टर होंगे और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शन जो है वो लोग समझ रहे हैं। आपके ख्याल से वाकई वो इतने कट्टर किस्म के इतने जालिम इंसान है कि अगर वो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई तो वो ऐसी तैसी कर देंगे लोगों की? मैं आपका इसका आंसर एक डिफरेंट तरीके से देता हूँ। एक कोई मियां है, बाकी लोगों को बोलने की आदत है मियां भाई, मैं भाई भूई कुछ नहीं मानते जातियों को, मियां ने किसी ने बोल दिया कि भी यार मोदी जी दिन में तीन तीन चार चार बार यहाँ पर रैलीज कर रहे हैं और हर एक रैली में वो डिफरेंट कपड़े डाल के आते हैं, ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री होता जो दिन में चार चार बार कपड़े चेंज करता हो? तो मैंने उस मियां को बोला कि भाई एक काम करते हैं, योगी जी पूरा दिन एक ही कपड़े डालते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दें। वो बात सुनते ही भाग गया। तो आप इसी से समझ आएंगे कि उनका दबदबा कितना है। अब दबदबा क्यों है उसका रीजन समझाता हूं। मोदी जी सिर्फ बोल देते हैं कि भैया सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा, योगी जी टांग में गोली मार देते हैं, बस इतना ही फर्क है। और लेकिन अगर अमित शाह हो तो पार्सल घर पहुंच जाता है, वो विश्वास नहीं करते टांग में गोली मारने का, बस इतना ही फर्क है। ये जो लोग हैं जो जिहादीपन की आदि हैं 75 सालों से, इन लोगों को पहली बार औकात दिखाई जा रही है भारत के अंदर हिंदुओं की तरफ से कि भैया अगर तुमने इंसान की तरह रहना है तो रहने दिया जाएगा, वरना वही हाल होगा जो बाकी उग्रवादियों का हुआ था, मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में योगी जी मिला भी देते हैं। क्या जो लोग पीसफुली रहना चाहते हैं उनके साथ कुछ गलत काम हो रहा है? आंसर है नहीं, जो जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। क्या कहीं भी उग्रवादी होगा अगर आपके यहाँ पर तालिबान वाले आते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं, क्या उनको आप मिट्टी में मिलाने की बातें नहीं बोलते हैं? अगर आप बोले तो आपको जायजा, क्योंकि आप अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर कोई इन जिहादियों को मिट्टी में मिला रहा है तो फिर आवाजें के उठती हैं कि वो जालिम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री पास देना चाहिए। भाई यहाँ पर यूपी में जिस यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर जिहादियों की इतनी बड़ी लाइन है, कुछ कहने की बात नहीं है, रोज वहां पर गुंडागर्दी और ये चीज हमने देखी है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी, योगी ने आके सीधा कर दिया। सीधा किसको किया? गुंडे मोवालियों को, और गुंडे मोवालियों को सीधा भी ऐसे किया है कि वो खुद गले में पट्टे डाल के आते हैं, उस पर लिखा होता है हमें गोली मत मार रहा, हम खुद सरेंडर कर रहे हैं, ये हालत है। और पुलिस वहां पर, मैं खुद गया हूँ यूपी में रिसेंटली, आप बिलीव कीजिए पहले आपको हर जगह पे पुलिस दिखती थी, अभी पुलिस आराम से बैठकर छोले भटूरे खा रही होती है, गुंडे खुद आके सरेंडर करते हैं। ये है दबदबा, जब लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आपने करना हो तो हर चीज पॉसिबल है, और इसीलिए उन्हें जालिम की तरह देखा जाता है। बट अदरवाइज अगर आप देखें फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ही हैज अ ब्यूटीफुल मॉडल, और उनका मॉडल सिर्फ भारत में या पाकिस्तान में ही फेमस नहीं है, बिलीव कीजिए इटली ने भी रिसेंटली इन जिहादियों को सीधा करने के लिए वहां पे बुलडोजर किया और लोगों ने बोला शुरू कर दिया, योगी मॉडल यहां भी पहुंच गया है। अब मैं आपको आखिरी बात बताता हूं, चाइना के अंदर अभी रिसेंटली एक खुशखबरी की न्यूज देता हूं आपको मैं, कि इन्होंने प्लान किया है कि 2024 के दिसंबर तक सारी मस्जिदें तोड़ देनी है, वहां पर बुलडोजर यूज किया जाएगा, यानी कि योगी मॉडल चाइना में भी पहुंच गया है। लेकिन सर मस्जिद तो पहले भी डिमोलिश की जाती रही है चाइना में, कोई पहली बात तो नहीं है, खबर तो पहले भी आती रही है, और बात है कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि
बाकी सबके लिए तो आवाज उठाता है, लेकिन चाइना के लिए एकदम खामोश होता है, क्योंकि जाहिर है कि चाइना से पैसा मिलता है, तो आई नो पता है हमें, हमें ही मिलता है, तो इसलिए हम नहीं बोलते। लेकिन बात वही ना, इसीलिए हम नहीं बोलते। लेकिन खैर, वो योगी जी का मॉडल जो है वो यहाँ पे अभी जब इमरान खान का ऑफिस या सेक्रेटेरिएट डिमोलिश किया गया तो लोगों ने बड़ा बोलना शुरू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर हम बात करें दोबारा, तो मोदी जी का एक इंटरव्यू बड़ा आजकल वायरल है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, रजत शर्मा साहब के साथ। और उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि जी मैं जरा चेक करने गया था वीजे के बगैर, तो सर मोदी जी आ सकते हैं वीजा के बगैर, इतना प्राउडली बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान बगैर वीजा के चला गया। तो जब हमारे यहाँ से कोई बगैर वीजा के भारत जाता है, मतलब कभी तार के नीचे से, कभी बजरंगी भाईजान की तरह, कभी सीमा इधर कभी क्या, तब तो बड़ा शोर मचाते हैं आप लोग, वो क्यों? उसका रीजन है, मोदी जी वहां पर ना तो AK-47 लेकर गए, ना हाथ पे बॉम्ब थे, ना ही कोई गजवे पाकिस्तान करने की बात करने गए थे, कुछ भी नहीं था। और सेकंडली उन्होंने बोला कि मैं तो उनको देख लिया, उनका एटम बम बिना वीजे के गया था और धरले से जाके आया हूँ, और वैसे भी हमारे ही पार्ट थे, क्या दिक्कत है, एक पार्ट टाइम पे तो हमारे ही पार्ट थे वो, तो हम चले भी गए अपने अपने ही जगह पर, अगर हम चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। इस बात पे इतना चीजें छुपी हुई हैं जिसका आपको भी अंदाजा है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और मोदी जी ने क्या बोला है, वो हमारा ही पार्ट थे, ये ऐसे ही नहीं बोला है, इसके पीछे राज आपको 4 जून के बाद बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा। बट एज फार एज मोदी जी का वहां पे जाना, उसके बारे में बात करनी, इन्होंने बात ये पहली बार नहीं करी है, 2019 में भी उन्होंने इसके बारे में बात किया था पूरा डिटेल में कि कैसे वो गए थे अफगानिस्तान से जाते हुए, वो आपके जो शरीफ, जो कि शरीफ नहीं है फिर भी उन शराफत दिखाने के लिए उनको मिलने चले गए थे, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करी थी। इस बार तो सिर्फ एक लाइन में काम खत्म कर दिया, यानी कि कुछ बड़ा, हमने पहले भी बोला था आपको 2019 में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बार तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, याद रखिए। और लेकिन और आपका जो आप ही के फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने बोला था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं डाली हुई, और मोदी जी ने बोल भी दिया जलाओ देते। हाँ तो कोई बात नहीं, मोदी जी भेजेंगे इंडिया से चूड़ियां, तो क्या हो गया, वैसे भी मैंने सुना है इंडिया की चूड़ियां बड़ी अच्छी होती है, कोई बात नहीं, हैदराबाद वगैरह। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और सुमित जैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसको आपने काफी एंजॉय भी किया होगा, जहां पे आपने देखा सुमित जैन साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि आरजू काजमी जी के भी काफी ज्यादा मजे लिए, और जैसे बताया कि योगी मॉडल अब पाकिस्तान से लेके बाकी देशों में भी हिट हो चुका है, और हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके वो जल्दी भारत का हिस्सा दोबारा बन जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप क्या समझते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी और किसकी सरकार बनेगी, जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।